नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले मैंगड़वार थाना अंतर्गत चिलकहर गांव में आज तड़के सुबह ग्राम प्रधान के नेतृत्व में चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया। दरअसल मामला है 6 नवंबर को चिलकहर निवासी एक युवक फेफना थाना अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। तो वहीं आज शव को सड़क पर रखकर ग्राम प्रधान समेत क्षेत्रवासियों ने सड़क जाम कर युवक को न्याय दिलाने के लिए चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। ग्राम प्रधान की माने तो युवक एक बहुत गरीब परिवार से है। जल्द ही उसकी बहन की शादी होना थी। उसके सर पर पढ़ाई के साथ साथ घर की तमाम जिम्मेदारियां भी थीं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इसे मुआवजा और न्याय दोनों मिले। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या बता दीजिए? मेरा नाम सुधीर कुमार सिंह है। मैं वर्तमान समय में चिलकहर ग्राम सभा का ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ। जी, आज किसे का चक्का जाम हुआ, क्या है मामला? 6 तारीख की घटना है। एक लड़के का यहाँ एक्सीडेंट हो गया था जी, जिसका प्राणस ट्रामा सेंटर में मौत हो गई। वो लड़का काफी होनहार था, अपने घर का गार्जियन था, उसके पिताजी भी नहीं है जी। हम लोग चाहते हैं कि उसकी आर्थिक मदद और बढ़िया से उसकी आर्थिक मदद की जाए, हो सके तो उसको नौकरी भी दिला जाए। वो लड़का पॉलिटेक्निक किया हुआ था, क्योंकि गुजर गया, उसकी बहन की भी शादी भी है, इसलिए हम लोग गांव के तमाम लोग मिल करके उन्होंने जाम किया था जी। जी, तो क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? हमको प्रशासन से, हमारे थाने के इंस्पेक्टर साहब आए हुए हैं, वो बोले हैं कि आप लोगों की पूरी मदद की जाएगी, इस एवज में हम लोग ये जाम जो है छोड़ रहे हैं जी। अगर ऐसा कुछ नहीं होता आगे फिर हम लोग कार्रवाई, ऐसे ही धरना प्रदर्शन चालू कर देंगे। इंसाफ तो मिलना चाहिए। वो व्यक्ति आए दिन कहीं ना कहीं घटना करता रहता है। हीरोइन की क्या, वो पीता है और गाड़ी चलाता है। इसी चक्की पर 10 लोगों को मारने वाला था, जिसमें मैं खुद शामिल था। ये कौन हो व्यक्ति जो है? वो ऋषिकेश त्रिपाठी, ग्राम पंडितपुरा का रहने वाला है जी। इसको कार्रवाई अभी हुई है? अभी कार्रवाई नहीं, वो भगा है, लेकिन प्रशासन तो अपना काम करेगी, उसको जरूर ढूंढ के लाएगी जी। कब से जाम लगा था, कितने देर लगा था? करीब घंटा से ऊपर। तो कब प्रशासन आई थी? प्रशासन तुरंत आ गई, बातचीत हुआ, उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया, तो हम लोगों ने जो है जी। कहाँ रहने वाले हैं? हम लोग यहाँ चक्का जाम हुआ था, क्या मामला था यहाँ? जी जी, तो चक्का आप लोग जाम क्यों किए थे, क्या मामला है, क्या मांगे आप लोग? आर्थिक सुविधा जी। आर्थिक सुविधा में कितने मांगे आप लोग? 25 लाख रुपया जी जी। तो चक्का अगर आप लोगों ने तो क्यों, किस आश्वासन पे आप लोगों ने? एक्सीडेंट किए थे, आ नहीं रहे, वो थाना निरीक्षक के पास गए FIR कराने के लिए जी, यहाँ से प्रदान करने। तो जी, जो 25 लाख के आपके मांगे हैं, जो नौकरी है, तो किस आश्वासन पे आपने ये चक्का जाम खत्म किए? वो प्रधान जी बोले हम लोग थाना पे FIR लिखवाने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे कार्रवाई। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटिजन न्यूज़।